है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंपास और डिवाइडर के बारे में कि कंपास क्या होता है, कंपास कितने प्रकार के होते हैं, कंपास किस पदार्थ से बना होता है, कंपास की नीड जो होती है किस प्रकार का होती है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, डिवाइडर का यूज़ कहाँ करते हैं, इससे हम कितने mm तक वृत्त को खींच सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, इसमें चूँकि बहुत चीज़ आपको मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वही आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला आपका है कंपास। आपको जस्ट फिगर आपको दिख रहा होगा फिगर में कि कंपास कैसा होता है, ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे कंपास का जो यूज़ क्या होता है। कंपास के बारे में देखिए, कंपास एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में वृत्त या चाप बनाने हेतु किया जाता है। क्या होता है कि कंपास एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में वृत्त या चाप बनाने के लिए किया जाता है। ये जो कंपास होता है आपका स्टील का बना होता है, लेकिन इसका जो नीड होता है ना, उसका जो नीड वो होता है आपका क्रोमियम स्टील का बना होता है। किससे? तो क्रोमियम स्टील से बना होता है। अब जो बात करते हैं, इसमें आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा कि इसमें दो गो लेग होता है। लेग मतलब पैर होता है। एक लेग जिसमें एक लेग जो सीधी होती है, दूसरी लेग जो होती है समंजनीय होती है। क्या होती है? समंजनीय होती है। समंजनीय का मतलब हुआ कि एडजस्टेबल, और एडजस्टेबल का मतलब हुआ कि वो आगे पीछे क्या हो सके, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक जो होता है सीधा होता है, दूसरा एडजस्टेबल होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग पेंसिल को क्या करते हैं, ये कसा जाता है, और जिससे हम लोग वृत्त या चाप को खींच सकते हैं। यह जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। कंपास कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ध्यान रखिएगा, कंपास कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला बड़ी कंपास, दूसरा छोटी कंपास। बड़ी कंपास, आप छोटी कंपास दोनों का फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, कैसे दिख रहा है कि दोनों में क्या अंतर है आपको देखने फिगर से मालूम पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, बड़ी कंपास जो होती है आपका, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं 50 mm से अधिक जो व्यास वाले जो विपरीत हम लोग खींचते हैं उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं जी? तो ये जो 50 mm से अधिक व्यास वाले विपरीत खींचते हैं बड़ी कंपास से। छोटी कंपास का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? तो छोटी कंपास का यूज़ हम लोग करते हैं 25 और 50 mm के बीच में व्यास वाले जो भी वृत्त या चाप हम लोग खींचते हैं, इसका हम लोग छोटी कंपास का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं जो कंपास की, ये तो बता चुके हैं कि इसकी जो नीड होती है क्या होती है, जो नीड जो होती है पतला से नहीं होता है कंपास के, जो सीधा में होता है, तो उसकी जो क्रोमियम स्टील का बना होता है, और इसमें इसके साथ ही आता है डिवाइडर। एक डिवाइडर का क्या काम करता है, तो यह जो होता है किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। क्या करता है डिवाइडर? किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। तो आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर के लिए। तब तक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।